मध्य प्रदेश के झाबुआ में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में जयस ने कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय लिया है। जयस के राज्य चुनाव प्रबंध समिति सदस्य डॉक्टर अभय ओहरी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सीएम कमलनाथ के साथ 10 मांगों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें प्रमुख मांग आदिवासियों के पलायन रोकने की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूर कर लिया है। इसलिए संगठन ने कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय लिया है। देखिए, जयस ने झाबुआ में एक महापंचायत आयोजित की थी, उसमें हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल अलावा भी आए थे वहाँ पर, और उस महापंचायत में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ था कि हमने मुख्यमंत्री के समक्ष 8-10 मांगे रखी थी, और हमने यह भी बोला था कि अगर ये हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम झाबुआ उपचुनाव में जयस अपना कैंडिडेट उतारेगी, और अगर हमारी मांगे मान ली जाएगी तो हम उस पर विचार करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा होने के बाद हमारी अधिकतर मांगे मान ली, 10 सूत्री मांगे थी हमारी, जिसमें मुख्य रूप से जो था पलायन का मुद्दा, उस पलायन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी से सीधे चर्चा हुई है, और उन्होंने पलायन के मुद्दे पर पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर पर जो भी तरीके अपनाए जा सकते हैं पलायन को रोकने के लिए, उस पर उन्होंने विस्तृत कार्ययोजना बनाने के लिए। चुनाव में अब हमारी रणनीति ये है कि पहले हमने इलेक्शन के लिए कहा था, पर अब हमारा समर्थन कांग्रेस पर रहेगा, और चूंकि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है इसलिए जयस शुरू से ही कांग्रेस के समर्थन में रहा है, और इस बार भी हम जिसे भी टिकट देगी कांग्रेस